बरेली में आज शराब के शौकीनों के लिए सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। शराब की दुकान खुलते ही काफी भीड़ दुकानों पर उमड़ती नजर आई। लाइन में खड़े ये लोग शराब खरीदने के इंतजार में दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही लोगों का तांता लगा जा रहा है, जबकि नए नियमानुसार शराब के दामों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए भी लोग दिखाई दिए हैं और सामाजिक दूरी भी बनाकर लोगों ने शराब खरीदी है। दरअसल आज बरेली जिलाधिकारी द्वारा शराब की दुकानें खोलने के आदेश आते ही सुबह से ही लोगों की भीड़ शराब की दुकानों पर जमा होने लगी। न्यूज़पल इंडिया की टीम ने मौके पर जाकर जायजा लिया। साफ तौर पर देखा गया कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते लोग नजर आए हैं। वहीं बात की जाए शराब की, तो पहले की अपेक्षा शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन शौकीनों के लिए इस बात से कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दुकान खोली, क्या करा, कितने शराब ले लिया आपने? तो लॉकडाउन का डर, उसका कोरोना का डर नहीं लग रहा था क्या? है तभी तो पी रहे हैं, तभी तो पी रहे, कोरोना डर है तो। अच्छा, इसलिए पी रहे हैं, कोरोना का डर है। कितने क्या क्या लिया ये आपने? तीन दिया दो कॉलेज। अच्छा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग महामारी की चिंता किए बिना शराब की खरीदारी करके अपने घरों से काफी तादाद में निकले, जिसके बाद न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम ने शहर की विभिन्न दुकानों का जायजा लिया, तो हर जगह का आलम मानो एक जैसा ही था। लोग सुबह से ही लाइन में लगकर शराब खरीदते नजर आ रहे थे और कोरोना का डर उनमें जरा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि लाइन लगाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया गया। बरेली से पवन कुमार, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया।